हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फाइनली शाओमी ने पी पा के रेडमी नोट 7 प्रो को अपडेट दे चुका है। MIUI 0.6.0 का अपडेट, और ये अपडेट जो था लगभग 600 MB के ज़्यादा था। और ये अपडेट जो एक OTA अपडेट था जो कि ज़्यादातर यूज़र्स को ही मिला है, कुछ ही लिमिटेड यूज़र्स को मिला है, एंड काफ़ी सारे यूज़र्स को अभी नहीं मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लिमिटेड यूज़र्स को मिला। और ये अपडेट धीरे धीरे या फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ ही हफ्तों के बाद धीरे धीरे सभी को रोल आउट होगा। ये जो है ये सारे यूट्यूबर आपको बता रहे हैं, लेकिन मेरे चैनल में क्या है, मेरे चैनल में तो भाई अलग ही मस्त मज़े से आप रहते हो, क्योंकि आप सभी जानते हो कि मैं हमेशा आपको डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर ही देता हूँ, कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा के आपको अपडेट करा ही देता हूँ। शाओमी अगर आपको दे या फिर ना दे, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आपको भी नहीं पड़ता होगा जो मेरे इस सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे जानते, क्योंकि मैं हमेशा उनके लिए जुगाड़ कर ही देता हूँ OTA का लिंक या फिर फुल रॉम का लिंक, जिसके मदद से वो अपने फ़ोन को अपडेट आए या फिर ना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने फ़ोन को अपडेट कर सकते। तो ये रहा अपडेट का प्रॉब्लम सॉल्व। तो आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, डिस्क्रिप्शन में जाइए, अपडेट यार आए ना फिर ना आए, जाइए डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड कीजिए, लिंक पे क्लिक कीजिए, एंड देन फ्लैश कर लीजिए, मैनुअली अपडेट हो जाएगा गारंटीडली। और यहाँ पर फ्रेंड्स अपडेट का तो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी सारे फीचर्स आए। Xiaomi ने पी पा के अपडेट दिया है, पी पा के यानी कि इतना पिया है कि उतना आपका दिमाग ही गुल हो गया है, और गुल होकर उन्होंने जो किया है तो वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, अपने वीडियो में आगे हमको बताएंगे, मैं सभी आपको बताऊंगा कि क्या किया है। एंड उसके साथ साथ काफ़ी सारे फीचर्स भी आए, काफ़ी सारे कुछ आपको बताना है, दिखाना है इस अपडेट में, तो वो सभी आप आपको करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो में झट से जाएंगे, मेन टॉपिक पे बात करेंगे और वीडियो को झट से ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स चैनल में पहली बार आए, सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे अगर वीडियो पसंद आए जरूर से लाइक कीजिए, एंड नीचे जो आपको एक छोटा सा बॉक्स दिख जाएगा वहाँ पे प्यारी प्यारी बातें लिख दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो, एंड वीडियो को से शेयर भी कीजिएगा अगर पसंद आए तो, ठीक है। और तो चलिए फ्रेंड्स, मैं हूं पवित्र, आप देख रहे टेक्निकल स्टार, मैं तो चलिए बिना उद्गार शुरू करता हूं मेरी वीडियो। तो फ्रेंड Xiaomi ने पी के एकदम मस्त होके चूर होके अपडेट दिए दिया है MIUI 11 0.6.0 का अपडेट, 0.50 यानी कि 0.50 से आपको 6 में दे दिया है, 0.60 तो अपग्रेड कर दिया है, बहुत ही बड़ी अपडेट साइज 600 MB से भी ज़्यादा अपडेट आपको, साइज़ का अपडेट आपको देखने को मिला। काफ़ी सारे सोचेंगे, काफ़ी सारे आपको मिले होंगे फीचर्स, मिलोगे ये मिला होगा, वो मिला होगा, ये आया होगा, वो आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको आया है घंटा। जी हाँ, यहाँ पे आपको घंटा आया है, और इस घंटे में सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लिमिटेड चीज़ें आपको मिला है, जो कि मैं घंटा बजाते बजाते आपको बताऊंगा, यानी कि अभी तो फिजिकली घंटा नहीं बजाऊंगा, लेकिन बजाऊँ या फिर ना बजाऊँ, जो फीचर्स आया है वो मैं आपको ज़रूर इस वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पहले बात कर लेते फीचर्स की, उसके बाद बात कर लेते क्या क्या फीचर्स नहीं आए, आप क्या क्या एक्सपेक्टेशन लेके बैठे थे वो आपको देखने को नहीं मिला है। तो पहले फ्रेंड्स हम बात कर लेते फीचर्सों की। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं Xiaomi ने इतना पिया है, इतना पिया है, इतना पिया है कि उन्होंने अपने व्हाट्सएप पे लिख दिया कि अपडेट में, जो से कि पहली बार लिखते हम बाहुबली है, हम बाहुबली, हम बाहुबली है, उसी तरह फिर से और एक बार लिख दिया है कि हम कटप्पा है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने लिख दिया कि यहाँ पे आपको नवंबर का सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिलता है, लेकिन आपको अगर अपडेटर ऐप से जाते हो तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा दिसंबर का, ठीक है, दिसंबर का सिक्योरिटी पैच लेवल। तो यहाँ पे सोच सकते कितना पिया है भाई, एक मंथ का ही उन्होंने गुल कर दिया। तो उसके बाद हम अपने बात करते तो आपको यहाँ पे लेटेस्ट दिसंबर का सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिल जाता है कि उन्होंने पी पा के भी बहुत बढ़िया काम किया है। एंड उसके बाद जो और एक चीज़ आता है कि आपको एक लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेट मिल जाता है इसी अपडेट में। उसके बाद आपको काफ़ी सारे नए फीचर्स तो मिले हैं इसमें,
और एक फीचर्स जो है बढ़िया फीचर्स, मुझे ऐसा पसंद नहीं लगा कि शाओमी ने इस बार बहुत बढ़िया ये जो फीचर्स जो रेडमी नोट 7 प्रो को दिया है वो काफ़ी बढ़िया फीचर्स है। वो है आपको वाईफाई कॉलिंग का भी सपोर्ट आपको इस अपडेट में देखने को मिल जाता है। तो जो लोग अपडेट नहीं किए हैं मैं उनको रिकमेंड करता हूँ जल्दी से जाइए अपडेट कर लीजिए, क्योंकि वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो अभी बात आते हैं ये आपको कहाँ देखने को मिल जाता है। तो आपको सिंपल से जाना होगा, यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा होगा सेटिंग में आपको जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको सिम में जाना है। सिम में जाने के बाद आपका जो सिम है उसको सिलेक्ट करना है एंड सबसे नीचे देखेंगे वाईफाई कॉलिंग का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है और इसके मदद से आप वाईफाई कॉलिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो शाओमी ने ये बढ़िया काम किया है और अगर आपको ये फीचर्स बढ़िया लगता है वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, बटन को नीला कर दीजिए और हमको पीला कर दीजिए, नहीं पीला तो हमको नहीं करना चाहिए। तो अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट फीचर्स की तरफ और बढ़िया सा फीचर्स आपको दिया है तो वो नेक्स्ट फीचर्स का नाम हो जाता है ब्लूटूथ अनलॉकिंग डिवाइस। तो अगर आप किसी भी ब्लूटूथ डिवाइसों को यूज़ करते हो, जैसे कि आपका हो गया मी बैंड, मी हेल्थ बैंड हो गया, या फिर आपका कोई ब्लूटूथ और कनेक्टिविटी डिवाइस हो गया, तो आप उसके मदद से भी अपने फ़ोन को अनलॉक कर पाओगे, जो कि आपको अगर सेटिंग में जाते हो देन सिक्योरिटी में जाते हो एंड उसके बाद आप देखोगे थर्ड ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो मैं चले उसके बाद जो एक बढ़िया ऑप्शन दिया है, मेरे हिसाब से एक बढ़िया फीचर शाओमी ने आपको प्रोवाइड कर दिया है। दो बढ़िया फीचर्स आपको शाओमी ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो दोनों फीचर्स की मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। यही दोनों फीचर्स आपको मिल जाता है। एक आपको देखेंगे शाओमी के सेटिंग में आपको नीचे देखने को मिला है डिजिटल वेल्डिंग का, वहाँ पर अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हो उसके अंदर तो आपको दोनों ऑप्शन मिल जाता है। एक तो है आपको वाइन मोड एंड दूसरा जो है आपको फोकस मोड। इन दोनों मोड का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वाइट मोड एक ऐसा मोड है जहां पे आप जो डिजिटल वेल्डिंग को स्लीपिंग मोड टाइमिंग देकर रख सकते हो, आप इतना से इतना टाइम स्लीप करते हो वो टाइमिंग देकर आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। एंड देन है फोकस मोड। फोकस मोड काफी बढ़िया है क्योंकि फ्रेंड्स आपको जो ऐप स्टोर है, यानी कि ऐप स्टोर नहीं, आप जो ऐप्स यूज़ करते हो अपने फ़ोन में, जो प्री इंस्टॉलेड ऐप है या फिर आप खुद इंस्टॉल करते हो, तो आपको काफ़ी सारे ऐप होंगे जो आपको अपने ऐप स्टोर में नहीं पसंद है या फिर आप यूज़ नहीं करना चाहते, तो उसी के हिसाब से ये जो है फोकस मोड दिया गया है। इसके मदद से आप अपने उस ऐप को 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 10 मिनट्स के लिए आप इस ऐप को कम्प्लीटली क्लोज कर सकते हो और इसमें कोई भी काम नहीं होगा। आप एकदम ब्रेक कर सकते हो, जहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्रेक, तो आप इस ऐप से थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो इस फोकस मोड के मदद से। तो ये रहा हमारा कुछ बढ़िया सा फीचर जो कि आपको इस अपडेट में देखने को मिला है और ये अपडेट बेसिकली बग्स फिक्स हुए, जो जो बग्स थे वो फिक्स हुए। और एक बग्स मैं आपको कहना चाहूँगा जो कि काफ़ी सिक्योरिटी लेवल का बग्स है, जो कि अब देखेंगे कोई भी अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते थे या फिर आप पेटीएम, फ़ोनपे वगैरह यूज़ करते थे, तो आपको अगर OTP आता था अपने जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू जो OTP आता था, तो OTP का जो कोड था वो ऊपर में आपको जो नोटिफिकेशन आता था उसमें आपको बहुत एकदम बड़ा साइज करके दिखाया जाता था। ठीक है, तो कि आपको आसपास जो लोग होते थे उनको भी वो दिख जाते, तो उसमें शाओमी ने एक सिक्योरिटी कर दी। तो अभी आपको वो दिखाई नहीं देगा, उसमें आपको स्टार स्टार दिखाई देगा, जो कि मैंने पर्सनली यूज किया है, तो उसमें आपको भी स्टार स्टार दिखाई देगा ना, आपको फिर से दोबारा बैक जाके या फिर कॉपी करके आप उसको यूज़ कर सकते। तो ये शाओमी ने बहुत ही बढ़िया किया। PK भी लोग इतना बढ़िया काम करते हैं, ये शाओमी से सीखना चाहिए क्या फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अभी बात आता है कि आपको काफ़ी सारे थोड़ा नया फीचर्स मिला है लेकिन बग्स ज़्यादा फिक्स हुए, काफ़ी स्मूथ हुआ है, काफ़ी यूज़र एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। अभी देखना बाकी है कि आपका जो बैटरी बैकअप है, बैटरी रेंज कितना होता है, तो वो सभी के लिए मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। एंड उसके साथ साथ काफ़ी सारे रेडमी नोट 7 प्रो रिलेटेड सवाल है हमारे जो सब्सक्राइबर्स पे, तो वो सवाल का भी जवाब मैं उस वीडियो में अलग से दे दूंगा। तो उसके लिए जरूरत है चैनल को सब्सक्राइब करके स्टे ट्यून करके रख लीजिए। और यहाँ पे अभी जो मेन मुद्दे की बात आता है कि आप सोचे थे कौन कौन से फीचर्स आपको मिलेंगे तो नहीं मिला है। तो अगर आप सोचेंगे कि आपको कैमरे में मिल चुका है कस्टम वाटर मार्क का, कि अपना नाम मस्त मस्त अपने फ़ोटो पे लगाओगे, अपने जो फ़ोटो खींचोगे उसमें आपको मस्त मस्त अपना नाम दिखेगा, तो वो तो अभी नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, वो फीचर्स आपको अभी तक नहीं मिला है। उसके बाद अगर आप सोचोगे कि आपको मिल चुका है ऐप ड्रॉयर, न्यू ऐप ड्रॉयर, आइकॉन साइज चेंजर्स, तो वो भी नहीं मिला है। एंड उसके बाद इस सभी के बावजूद अगर आप सोच लेते हो आपको मिला है अल्ट्रा पावर सेविंग मोड, तो आप
पहली फुर्सत में निकाल, ये भी आपको नहीं मिला है। ठीक है, बैटरी का ड्रेन का जो प्रॉब्लम है जो पहले था वो अभी हम टेस्ट करेंगे और उसके बाद आपको रिजल्ट भी बताएंगे। काफ़ी सारे जो सवाल है उनको भी हम बता देंगे आप सभी को। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा बहुत जल्दी आएगा, कल तक आपको मिल जाएगा शायद से, और उस वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दूंगा कोई भी सवाल मेरी सबसे कि सभी को। उस वीडियो में सभी का जो क्वेश्चन है उन सभी का क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिलेगा, ये मेरा मुझे ऐसा लगता है कि मिल जाएगा, क्योंकि मैं वैसी तरीके से वो वीडियो बनाऊंगा। एंड यहाँ पे तो अभी फ़िलहाल इस अपडेट में आपको यही सभी कुछ देखने को मिलेगा, ज़्यादा कुछ नहीं मिला है। बग्स फिक्स हुए, इम्प्रूवमेंट हुआ है यूज़र एक्सपीरियंस का, तो यही सभी कुछ हुआ है। एंड और कभी काफ़ी सारे लोग जो अपडेट नहीं किए, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा डिस्क्रिप्शन में जल्दी से जाइए, डाउनलोड कीजिए एंड अपडेट कीजिए, अपडेट काफ़ी बढ़िया है। तो फिर ओवरऑल ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएगा, और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।